पूछना चाहूंगा शमी, ये जो बात हुई और कल हम मतलब हमने भी देखी है सोशल मीडिया पे, कई बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे ही रहनी चाहिए, पर्दे के आगे नहीं आनी चाहिए। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्लेयर की भी रिस्पेक्ट है और आप भी एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हो क्योंकि आप भी एक ऑनर हो। ऐसा नहीं है कि सडनली कोई बात कर रहा है, आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपसे लोग मतलब सीख रहे हैं कुछ। अगर ये चीज़ अगर ऑन स्क्रीन आती हैं या फिर आप अगर ऐसे 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 रिएक्शंस मिलते हैं ऑन स्क्रीन, तो मुझे लगता है ये शर्म वाली बात है यार, नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना है तो आपके अलग अलग बहुत सारे वे हैं आपको बात करने के। अब ये बात आप ड्रेसिंग रूम में भी कर सकते थे, आप अपने होटल जाकर भी कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑन फील्ड किया है। अगर कोई ऐसे रिएक्शन दिए तो कोई लाल किले पर झंडा तो गाड़ नहीं दिया आपने। तो ये एक प्लेयर, वो तो कैप्टन है, ऐसा भी नहीं कोई नॉर्मल प्लेयर है या कुछ गलती हुआ हो। पूरी टीम गेम है भाई, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, गेम में कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल मानता हूं कि गुड डे और बैड डे होता है, लेकिन प्लेयर की एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए और आपका एक दायरा होना चाहिए बात करने का, आपका एक तरीका होना चाहिए। ये चीज, ये मैसेज बहुत गलत जाता है अगर रिएक्शंस आते हैं तो। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है इनका कि क्या होता है कि अगर एक टीम और खिलाड़ी अगर देखें अपने कप्तान को ऐसे, तो टीम का मनोबल भी टूट सकता है ऐसे। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे ही आ रहा था क्योंकि आप अभी 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 हो, अभी आपके चांसेस है क्वालिफाई करने के। ऐसे नहीं कि LSG आउट ऑफ द सीन है, बट इसके पहले ही ऐसा होना तो मनोबल एक बार टूट जाता है ना, तो फिर वो मन से नहीं आता। अब नेक्स्ट टाइम, अब ये नेक्स्ट मैच जब खेलने जाएंगे KL राहुल, हो सकता है कि ये ना खेले कोई ना कोई कारण दिखा के, क्योंकि मनोबल इनका टूट गया है। क्योंकि इनके जो जितने भी पर्सनल फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, सबने इनको मोटिवेट करने की कोशिश की होगी क्योंकि सभी के आ, आ, सामने ये गया होगा वीडियो, और ऑब्वियसली बात है खराब तो लगेगा ही क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे सामी ने कहा कि अगर जुबान तक भी रहता तो चलता, लेकिन वो हाथ का जो जेस्चर होता है ना, उससे लोग बहुत आ, 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 जान जाते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन जुबान से लिप रीड बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में करना चाहिए। इससे क्या पता लगता है कि बंदा जब जज्बाती हो जाता है तो इंसान के ना नियंत्रण नहीं होता अपने एक्शंस बिल्कुल पे। या तो जो अपने जज्बात को नियंत्रण में रखे खराब समय पे, वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ नहीं, जाता है। आपने इतनी अच्छी एक बात करी है। और आई थिंक लोग कह भी सकते हैं, दो चीज कह सकते हैं लोग, लोग कह सकते हैं कि भाई हमने सुना नहीं क्या हो रहा था, ठीक है हमने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी है और हम बॉडी लैंग्वेज को ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये अग्रेसिव लग रही है, ये ठीक नहीं लग रही, ये खुलने में नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप कह सकते हैं कि भाई किसी ने इतने हजारों करोड़ अगर टीम में खर्चे हो तो भाई उनका पैशन तो है, वो बाहर आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आना चाहिए, सबका आता है। जैसे मनोज कह रहे थे, कभी कभी आप बाहर चले जाते हैं अपने आपे से, बाहर चले जाते हैं, आप थोड़े क्रोधित हो जाते हैं कुछ, पर देखिए अगर आप इतने बड़े स्टेज पे, आप इतने बड़े मंच पे, सारी दुनिया जहां देख रही है, आप वैसे नहीं हो सकते जैसे आप अपने ड्राइंग रूम या अपने बोर्ड रूम में हो, ठीक है। तो यही मतलब है जब आप पब्लिक में हो, और शमी आप भी जानते हैं, आप जब खेलते हैं मैच सारी दुनिया देख रही है, कभी कभी मन करता है कुछ बोलने का दूसरे को, और आप बोले भाई मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, हम दोस्त हैं, हम बोल सकते हैं, पर आपको भी पता है कि सारी दुनिया देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, तो ये जगह नहीं है ये करने की। देखिए, बहुत मोमेंट ऐसे आते हैं, गेम में भी ऐसे आते हैं क्योंकि कभी कभी इतना टेंस गेम हो जाता है कि आप भिड़ जाते हैं एक दूसरे से, मतलब हो जाता है थोड़ा सा बहस हो जाता है, गंदे वर्ड्स भी कभी कभी रिएक्शन निकल जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, बट आपको अपना दायरा पता होना चाहिए, आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। स्पेशली जब आप यार प्लेयर प्लेयर एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक अलग चीज होती है, वो ग्राउंड का डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ग्राउंड के बाहर बंदा आपको अगर आपसे डिस्कस करता है और इमीडिएटली, मतलब जब बात जब सिचुएशन होती है, वो रिएक्शन से हम आइडिया लगा रहे हैं सब लोग। अब ये तो KL राहुल या वही बता सकते हैं कि क्या बात चल रही थी, लेकिन जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन से स्पोर्ट्स में नहीं होने चाहिए। मैं पर्सनली, मैं आंख दिखाना भी पसंद नहीं करता। अगर कोई अच्छा शॉट मार भी देता है तो मैं पलट के चला जाता हूँ कि भाई नेक्स्ट बॉल मेरे हाथ में है, देखता हूँ मैं। तो नहीं,
मैं बिलीव भी नहीं करता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, मुझे बहुत इन्होंने शमी ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी मेरे पॉडकास्ट पे पिछले साल, और ऐसे प्लेयर्स के बीच में जो यार दोस्त होते हैं उनके बीच में बहुत बढ़िया बात होती है। इन्होंने कहा था एक बारी कि आपका और हार्दिक का एक हो गया था, फिर आपने हार्दिक को बोला अच्छा सुन कैमरे जब होते हैं तब मत करियो, बाद में जो करना कर ले, और फिर नहीं किया उसने। आपने बताया था मेरे को लास्ट ईयर पॉडकास्ट पे। ये तो समझदारी है, ये इसका समझदारी है, ये कितने अभी आज के दिन में कितना ये ग्रो किया है शमी को। तो हम लोग कैलकाटा में जब आया था वहाँ से इनका ग्रोथ हमने देखा है एज अ क्रिकेटर, एज अ इंसान। तो ये जो सोच रखते हैं कि भाई मैच के बाद इनसे हार्दिक से इन्होंने बात की कि ऐसी है भाई नहीं करना नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ वन ऑफ द वे आप आगे जा सकते हो। और मैं एक टॉपिक खाली ख़त्म करूंगा इस पे जो शुरू हुई थी, कि जितना मैं जानता हूँ उनके ओनर को, क्योंकि मैं उनके कंपनी में काम करता कैलकाटा में, ये बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि हम अक्सर हो जाता है कभी एक गलती हो जाती है, चूक हो जाती है इंसान से, लेकिन उसका ओवरऑल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है उस पर धब्बा कभी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हमारे नेचर में होता है कि 10 काम में हम लोग 9 काम अच्छा करें, 1 गलत करें, तो हम लोग 1 को पकड़ के रखते हैं। तो मेरे नज़रिए में वो इंसान अच्छे हैं, रेस्पेक्टफुल आदमी है, जैसे उन्होंने भी कहा एक चूक हुई है, ये आइंदा वो मेरे ख्याल से उनसे बात करके सलाह मशवरा करके उसको ठंडा।